नोटेड जर्नलिस्ट पी साइना साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान कमीशन तश्कील देने का ऐलान किया है। उनके साथ कई और तंजीमों के सरबराह और जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आइए जानते हैं कि ये किसान कमीशन क्या है। पी साइना साहब, आपका सालार न्यूज़ में इस्तकबाल है। व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस किसान कमीशन? देखिए, किसान वर्ग के लिए 2004 में 2003 में सरकार ने एक राष्ट्रीय किसान आयोग सेटअप किया, जिसका चेयरमैन था डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, जो सबसे प्रोमिनेंट एग्रो साइंटिस्ट है इस देश का, और वो बहुत बढ़िया रिपोर्ट निकाला। 5 वॉल्यूम्स है उसमें। पहला वॉल्यूम दिया था पार्लियामेंट को अक्टूबर 2004 में, आखिरी रिपोर्ट दिया 2006 दिसंबर 2004 पे पहला रिपोर्ट, और अक्टूबर 2006 पे फाइनल रिपोर्ट। 16 साल में एक दिन का डिस्कशन नहीं हुआ पार्लियामेंट में, ना UPA किया, ना NDA करवाया। क्यों? जब सरकार एक रिपोर्ट बनती है जो उनके खिलाफ, इनका फेवर में नहीं है, वो रिपोर्ट को बंद कर देते हैं। जो रिपोर्ट पूरा किसान वर्ग का, एंटायर सारा किसान वर्ग का सपोर्ट है उसके, उसको खत्म कर दिया। अभी 16 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमीशन कर रहा है वो भी मैं उस समय भी दिसंबर में कहा ये बकवास है, ये कमीशन कुछ नहीं होने वाला है, और कुछ हुआ नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि जब ब्यूरोक्रेसी या सरकार, ये इंस्टीट्यूशंस, ऑफिशियल लोग, जब वो कमिटीज बन रहा है, उसका उससे किसान वर्ग के कुछ फायदा नहीं उठा पाए, तो इसलिए एक किसान कमीशन होना चाहिए जो किसान वर्ग उसको कंट्रोल करेंगे, उसको ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट करेंगे। हर जिला, हर गांव में भी हियरिंग्स कर सकते हैं आप उसके बारे में, किसान लोग सब हैं, हर जगह है। तो एक ऑथेंटिक कमीशन रिपोर्ट हो सकता है, जिसका स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, इसलिए कि स्वामीनाथन रिपोर्ट अभी थोड़ा डेट हो गया, 16 साल, जिस समय में क्लाइमेट चेंज का इशू बहुत बुरी तरह बढ़ गई, और जिस समय में वो किसानों का आय भी गिर गई बहुत। तो ये नया कमीशन सरकारी कंट्रोल में नहीं होगा, ना कोर्ट कंट्रोल में होगा, किसानियत का कंट्रोल में होगा। लेकिन सर, ये जो पिछले जो कमीशन बने हैं, पब्लिक कमीशन जो बने हैं, राइट्स पर बने हैं, दूसरों बने हैं, उनका जो फेट देखते हुए, जो गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड होता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, तो ये नहीं लगता कि एकेडमिक एक्सरसाइज हो जाएगी? ये नहीं होगा, इसलिए कि देखो, ये किसान आंदोलन जो हुआ अभी, वो एकेडमिक एक्सरसाइज बन गया? नहीं बन गया, हाँ, एक बड़ा विक्ट्री बन गया। ये इसमें भी जब किसान आएंगे किसान कमीशन में, एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आप कह सकता है कि ये आंदोलन भी एकेडमिक एक्सरसाइज है, तो मुझको जवाब नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसा ये लोग, हाँ, संघर्ष करके एक विक्ट्री बनाया, और सबको विक्ट्री, सिर्फ किसान को नहीं, वैसे ये किसान कमीशन भी सबके लिए कुछ निकलेंगे। ये जो सडन जो है ओल्ड फेस है मोदी गवर्नमेंट का, उसको एट्रिब्यूट किससे करेंगे आप? देखिए 90 दिन के अंदर 5 राज्य में चुनाव होने वाला है, एक और उसका सिग्नल मिल गया जो बाई इलेक्शंस हुआ अक्टूबर में, और नवंबर 3 तारीख को जो रिजल्ट्स आया, जहाँ जहाँ किसान आंदोलन बहुत ज़ोरदार से चल रही, वहाँ भाजपा को मार खाया बुरी तरह। इसलिए थे पी साइना साहब जो हमें किसान कमीशन के बारे में तफसीलात बता रहे थे। मैं अब्दुल बारी मसूद, कैमरामैन जीशान राही के साथ सालार न्यूज़ के लिए, नई दिल्ली।